हेलो जी, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे हो गए। और आज बना लेते हैं पकौड़ी। पकौड़ी का मौसम तो नहीं है आज, बारिश तो हो रही थी कई दिन से, तब तो बनी नहीं। अब बना लेते हैं। इसमें डाल लिया मैंने बेसन, छान लिया था, फिर उसके बाद डाल लिया मैंने धनिया, फिर हल्दी पाउडर और मिर्च डाल लूँगी, और इसमें डाल लूँगी नमक, और उसके बाद डालूंगी इसमें चाट मसाला, जिससे पकौड़ियाँ बनेंगी सॉफ्ट सॉफ्ट। पकौड़ियों में अगर चाट मसाला डालो तो बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं, आप भी ट्राई करना। ये देखिए मैंने डाल लिया था चाट मसाला, और अब इसमें पानी डाल के अच्छे से मैश कर लूँगी अच्छे से। इसमें और डालूँगी पानी, थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी, और इसमें फिर उस जब याद आता है ना तो आवाज़ फिर तेज़ बोलने लगती हूँ कि आवाज़ नहीं आती आप लोगों को। और ये देखिए, ये फैट लूँगी अच्छे से, हाथ से, मेरे से तो हाथ से ही होता है ये, अच्छे से फैटी जाती है। और छोड़ दूँगी फिर इसे 10 मिनट के लिए। ये देखिए ढक दिया था मैंने, छोड़ दिया था। फिर करने लगी थी मैं और काम, प्याज काटी थी, आलू काटे थे और मिर्च काटी थी। ये प्याज डाल लूँगी और मिर्च डाल लिए। प्याज इसी तरह बोला था आज की, इसी तरह बनाओ। और सब बैठे हुए थे धूप में, धूप में से ही ऑर्डर आया है कि पकौड़ी बनाओ और चाय, तो बनने लगी है चाय पकौड़ी। हम तो खाएंगे दही के साथ। ये देखिए हो चुका है हमारा बैटर पूरा तैयार, और डाल लेंगे तेल। और धनिया काट लिया था, मुझे याद आ गया था कि धनिया धोया हुआ रखा हुआ है, चटनी बनाने के लिए रखा हुआ था। चटनी भी बना लेंगे, कुछ इसमें डाल लेंगे चटनी और हरी मिर्च की। मैंने चटनी बना ली थी धनिया और हरी मिर्च की, मुझे बहुत पसंद है, पकौड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो ये बनाने लगी थी पकौड़ियाँ। और बिल्कुल कैमरा वहीं लगा रखा है हिमांशी ने, हाथ ही नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, फिर पीछे कराया, जब जाके डालने लगी फिर आराम से। आप भी खा लीजिए, अभी तो बनी नहीं है, जब बन जाएंगी तो आप भी आ जाओ। जब तक ये देखिए मुझे दिख ही ना नहीं रहा था, तो इसलिए साइड में भी लग गया है, हाथ ही नहीं चल रहा था, तो इस तरह से हाथ से नहीं डाली जाती पकौड़ी मुझसे। तो इसी तरह से फ्राई कर लेंगे फिर इसे। और आज तो मन कर रहा था, मैं तो इसी तरह बनाती हूँ पकौड़ियाँ, आप बताना ज़रूर आप किस तरह से बनाते हो। या तो फिर आलू ही एक एक करके डालूँ, तो नहीं तो इसमें प्याज भी थी और हरी मिर्च भी थी। आप भी आ जाइए, खा लीजिए गर्मा गर्म पकौड़ी, और दही से मन करो दही से खाइए, चाय से मन करो चाय से खा लो। बता लूँगी मैं, हो गई है आज, हो गई थी, गैस हो गया था, सॉरी तेल हो गया था गरम, तो मैंने स्लो कर लिया था। ये डाल लूँगी, अब लगा दूँगी इधर में बच्चों के लिए प्लेट। बच्चे तो चाय बिल्कुल ही नहीं पीते, मुझे, मैं भी चाय के साथ कभी नहीं खाती पकौड़ियाँ, मुझे भी नहीं है चाय के साथ पसंद, नहीं पसंद भी है लेकिन जलन करती हैं, दही के साथ ही खाती हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैंने जब तक पीस ली थी चटनी बनाते बनाते ही धनिया की और हरी मिर्च की, ये देखिए धनिया की हरी मिर्च की चटनी और दही और सॉस। आ जाइए आप भी, चाट मसाला डाल लिया, इससे भी अच्छा लगता है ऊपर से, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और उसके खाने के बाद हो गया किचन की सफाई, वो गंदा हो गया था मुझसे, तो रूटीन का था कि मैं रूटीन भी दिखाया करो, आज वो लोग खुश हो जाएंगे। एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने वो बोल दिया आप रूटीन नहीं दिखाते हो, तो आज खुश हो जाओ आप, देख लो दिखा दिया है मैंने थोड़ा सा रूटीन। रूटीन तो फिर पूरे दिन उसके बाद ही काम शुरू हो गया था। मैंने कहा जब तक किचन साफ कर लेते हैं, किचन साफ करने के बाद बर्तन साफ कर लिए थे, और कपड़े इतना काम होता है पता नहीं, ये शाम के टाइम का है ये अब बर्तन साफ कर लेंगे। हिमांशी ने आज बना ली थी वीडियो, तो कई बार ऐसा होता है ना सुबह का रूटीन का, तो कि बच्चे बच्चों की भी क्लासें चल रही हैं अब,
तो नहीं हो पाती है वीडियो। और बर्तन साफ हो गए थे, ये था जो बर्तन के बाद में क्लीनिंग होती है किचन की, उसकी भी हिमांशी ने बना ली थी वीडियो। और उसके बाद हम कपड़े बड़े हुए थे आज, बहुत सारे कपड़े सूख गए थे आज, कई दिन से तो धूप ही नहीं थी, तो कपड़े लगा लेंगे। और ये अच्छे से, इसमें बहुत टाइम लग गया था मुझे साफ़ करने में, इसमें ज़्यादा इतना ही बर्तनों में टाइम लग जाता है इतना इनमें, फिर बर्तन सूख जाएंगे, बर्तन लगा देंगे अपनी अपनी जगह। ये देखिए पूरा सफाई करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ठंड में, लेकिन आज इतनी ठंड नहीं थी और ठंड कम थी। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना। रूटीन का था, रूटीन का खुश हो जाओ, रूटीन तो दिखाया करूँगी अभी, जैसे जैसे बच्चों का भी अभी चल रहा है, फ़ोन का भी, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई आ रही है। ये मैं कपड़े लगाने लगी थी, बेड शीट वगैरह जो धोई थी, और आज मैंने बाल धोए थे तो यूं ही तौलिया लपेटा हुआ है। ये देखिए जो प्रेस के कपड़े हैं वो साइड में निकाल रही हूँ, और जो फोल्ड ही होने हैं वो साइड में निकाल दूंगी। इसी तरह से कपड़ों का हो जाएगा मेरा काम फिनिश। छोटी छोटी क्लिप ले ली थी, वैसे तो आपको पता ही है कितना टाइम लगता है इन सब में, प्रेस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, लेकिन आप का स्वागत तो पहले ही हो चुका है, फिर भी आप लोगों का स्वागत है रेखा गुर्जर फैमिली ब्लॉग पर। और आप जैसे कि कह रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया है, वीडियो में कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है, कोशिश मैं पूरी करती हूँ, कैसे पता नहीं कैसे कॉन्फिडेंस कम हो गया, आप लोग भी बताना क्या मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया है। तो फिर उसके बाद में देखते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है मेरा। और आज ये प्रेस वगैरह सब हो चुकी है, सारा काम हो रहा है, मतलब प्रेस वगैरह का तो हो गया, सिर्फ खाना बनाना रह रहा है। मैंने सोचा पहले वीडियो का कर लेते हैं, एंड वो वीडियो कल आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है, इसलिए फटाफट एडिटिंग तो बाद में ही होगी इसलिए। और एडिटिंग में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत छोटी स्क्रीन आ रही है, जितने बंदे यहाँ तक पहुंचे हैं वो सुनेंगे, स्क्रीन बहुत छोटी हो रही है। आप देखोगे ये वीडियो इसकी इसका पूरा होगा, लेकिन जिसकी एडिटिंग होती है ना वीडियो की, जहाँ तक पीछे जितना भी रूटीन का होता है, उस पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसमें दिक्कत हो रही है, बड़ी छोटी स्क्रीन आ रही है। पहले जो ऐप था मेरे पास उसमें आ गई थी प्रॉब्लम, मैंने डिलीट कर दिया तो वो दोबारा से हुआ नहीं। और कोशिश मैं जल्दी से बहुत जल्द करूंगी आप लोगों के साथ कि फुल स्क्रीन में आपके साथ वीडियो आए, कोशिश यही रहती है मेरी, कोशिश भी पूरी करती है, मेहनत भी। सच में कभी जब आराम से होने लगता है तो लगता है इसमें कोई मेहनत नहीं है, लेकिन जब सिर दर्द भी हो जाती है तो लगता है मेहनत है। कोई बात नहीं, मेहनत होनी भी चाहिए, जब तक हर काम में, किसी भी काम में जब तक मेहनत ना हो तो फिर उस काम में मजा भी नहीं है, उसमें होना भी चाहिए, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, कुछ कोशिश करेंगे, कभी अच्छी वीडियो बनेगी कभी तो अच्छी बनेगी, उसमें कोशिश कर रहे हैं दूसरे ऐप में। और आप लोगों से ले लेते हैं विदा, नमस्ते जी।